मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा। दर्द दिल के बिना महफिल ही क्या, जो ना टूटा वो कभी दिल ही क्या, जो ना टूटा वो कभी दिल ही क्या। है मेरा हाल बुरा और बुरा कर दिया, मेरे जख्मों को हरा कर दिया। मेरे दोस्तों की, बहुत सारे दोस्तों की फरमाइश, पूरी कमेटी के नौजवानों की, क्या हमें जो था वो रहा क्यों नहीं, हमें जो था वो रहा क्यों नहीं, दिल में जो था वो कहा क्यों नहीं, कभी प्यार तो इंसाफ मेरा कर दे आ, या कभी था ही नहीं साफ मना कर दे आ। अब ये शेर जो फरमाइशी शेर, जितने भी नौजवान बाहर से आए हुए हैं दूर दराज से, उनका हुक्म था कि जुनैद भाई आप ये एक शेर जरूर पढ़ेंगे जब भी आप भवा में आएंगे। मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगू, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो। बरेली से भी बहुत सारे आए दोस्त। मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगू, की जिंदगी में मेरी आस तुम हो। ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या, मेरा ये भरम था, ये मेरा ये भरम था, मगर तुमसे सीखा मोहब्बत भी हो तो दगा कीजिएगा, मुकर जाइएगा।
कल तक मेरे हाथ में था, तेरा दिल धड़कता था दिल में हमारे। तेरा हाथ कल तक मेरे हाथ में था, तेरा दिल धड़कता था दिल में हमारे। धक 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 सदके उतारे। अब मुलाकात हो जाए कहीं, अब मुलाकात हो जाए हमसे, बचा के नजर को गुजर जाइएगा। प्यार झूठा था जता, कोई कंजूसी नहीं कर रहा हूं, समझ लेना 18 से 35 वालों। प्यार झूठा था जताया ही क्यों, प्यार झूठा था जताया ही क्यों, ऐसे जाना था तो आया ही क्यों, ऐसे जाना क्यों, ऐसे जाना था तो आया ही क्यों। ऐ सितम कर तू जरा और सितम कर दिया, मेरे जख्मों को हरा और हरा कर दिया। जिसको चाह वही बेवफा हो गया, आप ही ने बनाई हालत मेरी, आप ही ने बनाई हालत मेरी, आप ही पूछते है ये क्या हो गया। आप ही है ये क्या हो गया, आप ही पूछते हैं ये क्या हो गया, क्योंकि दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन, दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन, मेरे हक में तू नहीं बोला तो फिर बोलेगा कौन। और आप क्यों खंजर छुपाकर आस्ती में लाए हैं, आप तो अपने हैं, अपने आप को रोकेगा कौन। आप तो रोकेगा कौन, आप तो अपने हैं, अपने आप को रोकेगा कौन, क्योंकि अजीब शहर का मंजर दिखाई देता है दीवान जी, अजीब शहर का मंजर दिखाई देता है, जिसे भी देखिए पत्थर दिखाई देता है, अजीब शहर का मंजर दिखाई देता है,
जिसे भी देखी ये पत्थर दिखाई। जोरदार तालियां हो जाए मियां आप तो बेड़ा पार। इजाजत के साथ जरा ये हटा सकता हूँ अपना साफा, इजाजत है जब तक गजल पढ़ लूँ। मैंने सर 11 साल लंबे बाल रखे हैं और ऐसा कोई कलर मैंने बाकी नहीं छोड़ा जो अपनी जुल्फों पे लगाया नहीं, क्योंकि जिन लोगों ने मुझे उस रूप में देखा है वो आज भी कहते हैं कि कब बढ़ेंगी। मैंने कहा ये बढ़ेगी, ये अपने वक्त पे बढ़ेंगी, क्योंकि सारे कलर एक तरफ, शहरे मक्का का कलर एक तरफ। यकीन करें आप, जब मैंने जिस दिन मैंने उमरा पहला उमरा करा था, मेरी बचपन से आरजू थी कि मैं उमरा अपनी अम्मी के साथ और पापा के साथ करूं। मेरी बहनें भी सुन रही हैं मुझे। तो इत्तफाक ये हो गया, वालिद साहब का इंतकाल हो गया, अम्मी के साथ मेरा जाना हुआ और मेरी फैमिली के साथ मेरा जाना हुआ। तो जब जिस दिन मैंने पहला उमरा करा तो उस दिन पता है मैंने अपनी जुल्फों को स्ट्रेट कराया, पूरा लंबे लंबे बाल पड़े हुए मैंने। अब मैं उसके पास पहुंचा, मैंने भाई तवाफ करने के बाद मैं अपने जुल्फों को कुर्बान करने अपने रब की बारगाह में पहुंचा, तो मुझसे बोला भाई चार कोने कटवा लो, तुम इतने लंबे लंबे बाल क्यों कटवा रहे हो, ये आप चार कोने कटवा लें तो भी वो मकाम। मैंने कहा नहीं यार, आरजू ये थी बाल बढ़ाए यूं थे, अपनी जुल्फें बढ़ाई यूं थी कि जब मैं उमरा करने जाऊंगा जब ही ये सर से उतरेंगे वरना नहीं उतरेंगे। तो ये मैं दुआ करता हूँ कि रब्बुल आलमीन जितने भी मोमिन इस महफिल में बैठे एक मरतबा जरूर अल्लाह पाक अपना आपको घर दिखाए और अपने महबूब के शहर में आप लोगों को बुलाए। इस शेर के साथ कि